इसका एडजस्टमेंट भी करते हुए चलेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6000 रुपीज हो गया, उसको हमने मान लिख दिया। इसके बाद देखो आपके इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 300 है और इन्वेस्टमेंट के लिए 300 इंटरेस्ट है, तो आपकी इनकम में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट आ जाएगा 300 बाई इंटरेस्ट 300 रुपीज, ये क्लियर है। इसके बाद में है टू डोनेशन। अब अगर किसी स्पेशल पर्पज के लिए डोनेशन नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टू डोनेशन बाई डोनेशन आ जाएगा, बाई डोनेशन, बाई डोनेशन, डोनेशन आपका कितना 6000 रुपीज, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब यहां आगे कह रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये आएगा बिल्डिंग फंड में, जो आपका बिल्डिंग फंड है उसमें आएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये आपके बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट जो है इसको छोड़ दो थोड़ा सा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आपका 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। इसके बाद देखो मेज फंड, अब मेज फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है क्या, कोई मेज एक्सपेंसेस भी हैं, तो मेज फंड को बैलेंस शीट में लिखेंगे और मेज एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, मेज फंड, मेज फंड, मेज फंड कितना है, मेज फंड आपका 10,000 और मैच एक्सपेंसेस है 6,800, तो 10,000 लेस मैच एक्सपेंसेस 6,800, तो ये आ जाएगा 3,200, ये आपका मैच फंड हो जाएगा 3,200, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग। अब देखो इसके बाद देखो आपके मैच फंड हो गया, मैच फंड और मैच एक्सपेंड, मिसिलियंस रिसिप्ट, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी बाई मिसिलियंस रिसिप्ट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी बाई मिसिलियंस रिसिप्ट, रिसिप्ट कितनी है, मिसिलियंस रिसिप्ट है आपके 430 रुपीज, 430 रुपीज, ये मिसिलियंस रिसिप्ट हो गई। सेल ऑफ ग्रास, ग्रास को सेल करेंगे, ये भी इनकम में बार बार होती है, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ग्रास कितनी है 100 रुपीज, 100 रुपीज सेल ऑफ ग्रास हो गए। अब इस साइड चलो एक्सपेंसेस साइड, तो मेज एक्सपेंसेस हो गया, रेंट, तो रेंट आपके आ जाएगा टू रेंट, रेंट कितना है, रेंट आपका 9,600 का रेंट है। इसके बाद है टू सैलरी, अब सैलरी अंदर कितना है, टू सैलरी, सैलरी कितनी है, सैलरी है आपकी 24,000 रुपये। अब इसमें देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की 2,000 थी, इस साल की 2,500 है, तो ऐड करेंगे इसको, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर, करंट ईयर की है तो ऐड करना है, प्रीवियस ईयर की तो लेस करते थे और करंट ईयर की ऐड करेंगे, तो प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी थी 2000 की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की 2000 की है उसको लेस करना है, लेस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की लेस करना है और करंट ईयर की ऐड करना है,
तो 24,000 में आपको क्या करना, 2,500 यानी 24,500 आ जाएगी आपकी सैलरी, 24,500 रुपीज ये आपकी सैलरी आ जाएगी। पिछले साल की लेस, पिछले साल की तो लेस, इस पिछले साल की बकाया लेस, इस साल की बकाया है, ठीक है। इसके बाद देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस, यहां जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका कितना, 3,600। इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इन्वेस्टमेंट को आपका बैलेंस शीट में आएगा, तो पहले आपके इन्वेस्टमेंट थे कितने, 12,000 थे, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटीज है उसको यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी अभी वाली, 2,500, ये लाइबिलिटीज आपकी, ये आपकी लाइबिलिटीज इसमें लिखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी को। और इन्वेस्टमेंट जो है ना, पहले कितने थे आपके, पहले कितने आपके 12,000 थे, 8 परचेज, परचेज कितना किया, इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज, तो 42,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, 42,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इसमें आ जाएगा टू न्यूज़पेपर आपका 750 न्यूज़पेपर। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले भी थे और अभी और आ गए, तो यहां लिखेंगे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने थे, पहले कितने के थे, पहले की बैलेंस शीट में देखो 20,000 के थे, एड परचेज, एड परचेज आपके हैं कितना, परचेज किया हमने स्पोर्ट्स का 32,000 का, 32,000 का, और ये हो गए 52। लेस करना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करना, तो ये कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% यानी कि टोटल ये हो गया आपके 52 के, 52 का 25% करो तो 13,000 ये लेस कर दो डेप्रिसिएशन, तो आपके 32, 52, 52 में 13 गया तो 39,000 रुपीज, 39,000 रुपीज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आ गया। लेकिन इसका डेप्रिसिएशन जो है ना वो इस पे आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स, जो भी एडजस्टमेंट है उसको दो बार लिखना होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 13,000। ओके नेक्स्ट है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का तो किसी ने लिखी दिया। अब आप देखो एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट बताया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो पहले की बैलेंस शीट का किसी ने आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए, सारी चीजें आ गई। अब आपके केवल फर्नीचर बचा है, तो फर्नीचर कितना था, फर्नीचर था आपका पहले की बैलेंस शीट में 10,000 लेस डेप्रिसिएशन है 2,000 क्योंकि 20%, तो आपका रह जाएगा 8,000 आपका फर्नीचर हो जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ना फर्नीचर का, वो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, जितने भी एडजस्टमेंट है उन सबको दो जगह लिखना होता है, तो 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया। सारी चीजें क्लियर हो गई, सब जगह आ गए, जो आपके रिसिप्टेंट पेमेंट में उसको एक जगह लिखना है और बाकी जो नीचे दे रखा है इंफॉर्मेशन उसको दो जगह लिखना होता है, तो हमने सबका एडजस्टमेंट कर लिया। करने के बाद सबसे पहले इसमें से आपको क्या निकालना है, सरप्लस एंड डेफिसिट निकालना है। अगर सरप्लस है तो उसको यहाँ एड करना है कैपिटल फंड में, और डेफिसिट है तो उसको लेस करना है। सरप्लस है तो एड करना है और डेफिसिट को लेस करना है। तो यहां पर देखिए आप टोटल करिए, सबसे पहले इसका टोटल आपके आएगा
65230। तो यहाँ आ जाएगा टू सरप्लस, ब्रैकेट में पहले से फिगर से आया है, कितना आया है 1100। तो ये यहाँ लिख देंगे एड सरप्लस 1100। एड करने के बाद आपका ये हो जाएगा कैपिटल फंड 58। और बैलेंस शीट का टोटल आपके इक्वल आ जाना चाहिए 1300। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें सारी चीजें हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, सब्सक्रिप्शन भी हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कैपिटल फंड के लिए बनाई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया।